तो देखिए आरओ प्लांट चालू हो चुका है और ये इसका वेस्टेज है करीब 1800 दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों 1200 किलो आ गया है जो कि 400 किलो था। ये आपने कमाल देख लिया अपने सीटू का। और पहले का प्रेशर देखिए दोस्तों और अब का प्रेशर देखिए कितना फर्क है दोस्तों प्रेशर में और अब में। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंडिया नाउ। दोस्तों यह वही प्लांट है जिसकी हमने 4 से 5 महीने पहले वॉशिंग की थी दोस्तों, आपको मैं दिखा दूं। और इनकी समर खराब होने के कारण मिट्टी बहुत आ गई और उसने इसकी देखो वही जो पहले कंडीशन थी उससे भी ज़्यादा खराब कर दी है। 800 बेस्टेज निकाल रहा है ये देखिए और 400 लीटर का फ्लो आ रहा है, 400 सवा 400 लीटर का। और ये देखिए दोस्तों ये 16 केजी पे ऑपरेट हो रहा है इस समय। और हम इसमें फिर अपने वो T2 केमिकल से इसकी वॉशिंग करेंगे दोस्तों और आपको दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 40 लीटर हमने इस ड्रम में पानी ले लिया है। ये लाइन हमने ऊपर से बंद कर दी है, ये मोटर की इनलेट है और ये यहाँ से तो बंद है, पानी आ ही नहीं सकता, ये यहाँ से खींचेगी सक करेगी। इस वाल को हम खोल देते हैं दोस्तों और हाई प्रेशर पंप को स्टार्ट कर देते हैं अपनी को। ये यहाँ से वाल पूरा ओपन है, ये हाई प्रेशर जो वाल है वो पूरा हमें ओपन करना है। और इसी बारी लाइन में से हमने ये दे दिया, देखिए यहाँ से होते हुए पानी को ऐसे इसमें दे दिया। अब इसमें अपना मैजिक डाल देते हैं दोस्तों, जो आपको पता ही है T2 ये मैजिक डाला अपना। 40 लीटर पानी लिया, थोड़ा ड्रम छोटा है, कर गया मैजिक अपना। और अब 20 मिनट तक दोस्तों इसे चलने दें। हाय मैजिक हुआ क्या, अरे समझा समझा, ये देखिए इस तरह से होगा, ये 20 मिनट तक आप इसे चलने दें। और हो सके तो थोड़ा थोड़ा मेम्ब्रेन को ऐसे 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 करके ठोक लें, क्योंकि जो भी मिट्टी होगी वो दोस्तों जम रही होगी वो केमिकल फुला के निकाल देगा इस तरह से। किसी भी आइटम पे मेम्ब्रेन को ठोक लें तो देखिए जरा सी ठोकने से कितनी मिट्टी निकली दोस्तों। अब अंदाजा लगाइए, देखिए थोड़ा सा ठोकने से क्योंकि मिट्टी यहाँ नीचे मेम्ब्रेन में जम जाती है और इसमें मिट्टी ही गई है, उसी से चौक हुआ है क्योंकि इनकी समर खराब हो गई थी दोस्तों, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और फिल्टरों की कंडीशन देखिए किस तरह से कितने फिल्टर खराब हुए हैं, ये मैं मिट्टी गई है, मिट्टी से चौकिंग आई है दोस्तों। तो थोड़ा मिट्टी को हमको निकालना है। ये केमिकल चलाने से पहले सादा पानी से भी हमने निकाल दिया थोड़ी मिट्टी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, नॉर्मल वही सादा पानी से आपको निकालना है। और ये दोस्तों ये देखिए क्या कंडीशन कर दिया है, कितनी मिट्टी गई है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा भी केमिकल और बचा है दोस्तों, मैंने बचा लिया था वो मैं डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि पूरा डाल दूंगा तो फैल जाता। अब डला है पूरा, अपना जादू है ये तो दोस्तों आपको पता ही है। और रिटेल हम नहीं कर रहे हैं इसकी क्योंकि अभी लॉकडाउन है दोस्तों, नहीं कर पा रहे हैं। होलसेलर हमसे संपर्क कर रहे हैं, डिस्प्ले पे हमको नंबर दिख रहा होगा, केवल होलसेलर डिटेल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एक कट्टी में हमको कोई पड़ता नहीं आएगा आपके पास पहुंचाने में। और ट्रांसपोर्ट से होलसेलर को मिलेगी कम से कम 100 केजी का ऑर्डर आपका रहेगा, अगर रिटेल में चाहते हो तो 100 केजी का आपका अगर ऑर्डर रहता है तो होलसेल की रेट में आपको लग जाएगा ये। आप
जो भी भैया सीटू से हमारे खुश हैं या जिन्होंने लिया है यूज किया है उनको पता ही है कैसा रिजल्ट है इसका। दोस्तों देखिए किस तरह का कलर हो गया है। पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा कलर हो, ये यहाँ ऐसा मिट्टी है कुछ काली टाइप की, इस वजह से ऐसा कलर हो गया है। दोस्तों जो भी हमारे यूजर्स हैं वो अगर यूज करते हैं केमिकल को तो वो ये ना सोचे कि इसमें रेड कलर टाइप का हमारे यहाँ तो हुआ नहीं कुछ भैया, ये यहाँ पे थोड़ी मिट्टी काली है, थोड़ा मिट्टी का फर्क है, उस वजह से ये लाल कलर हुआ है दोस्तों। और अब लगभग 20 मिनट होने वाली हैं और मैं इसे बंद करके फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स रहा। तो देखिए आरो प्लांट चालू हो चुका है और ये इसका वेस्टेज है करीब 1800 दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों 1200 किलो आ गया है जो कि 400 किलो था। ये आपने कमाल देख लिया अपना सीटू का, और पहले का प्रेशर देखिए दोस्तों और अब का प्रेशर देखिए कितना फर्क है दोस्तों प्रेशर में और अब में। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों कि आपको किस प्लांट पर किस हिसाब की वीडियो चाहिए, किस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी उसी के ऊपर वीडियो बना के दूँ। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।